हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुधींद्र पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल प्लेयर ऑफ नंबर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। मुझे क्या फाइंड करने हैं फ्रेंड, टर्म्स फाइंड करने हैं। एपी क्या दिया हुआ है, 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब क्या है दोस्तों कहने का इसका, कि यहाँ पे जो एपी दिया गया है इसमें कितने टर्म्स रहेंगे कि ये सारे एपी का सम कितना हो जाए 636। बस वही मुझे फाइंड करना है। क्या दिया है, एसएन दिया हुआ है, मींस दैट सम ऑफ एन टर्म दिया हुआ है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म भी दिया हुआ है फ्रेंड। मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है ये वाले क्वेश्चन का। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैंने मार्कर भी ले लिया, हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो जो एपी दिया गया है फ्रेंड, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, मींस दैट A1 कितना है फ्रेंड, A1 है 9। A2 कितना है, A2 है 17। और क्या दिया है फ्रेंड, A3 दिया हुआ है कितना, 25। ये दिया हुआ है फ्रेंड। और क्या दिया है, SN दिया हुआ है। कितना दिया है SN, SN दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 636। फाइंड क्या करना है हमको, हमको नंबर ऑफ टर्म मींस दैट N फाइंड करना है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म तो एपी होता है फ्रेंड, तो डी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सो ये हो जाएगा A2 कितना है 17, A1 कितना है फ्रेंड, A1 है 9। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा फ्रेंड कितना आएगा, 8 आ जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे जो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिला, वो हमको 8 मिल गया। अब देखो SN है फ्रेंड, N फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास और क्या है, कॉमन डिफरेंस भी है। तो हम लोग SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है SN का फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। SN का जो वैल्यू दिया हुआ है, ए एंड डी जो दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, N फाइंड करेंगे। SN कितना है 636, 636 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन अ ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है फ्रेंड, ए है हमारे पास 9 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है, डी है हमारे पास 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 636 अपॉन 2 है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर लेके आते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 636 इंटू 2 इज इक्वल टू एन, ब्रैकेट के अंदर का थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9, 2 जा कितना होगा फ्रेंड 18 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो एन माइनस 1 इंटू 8 है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 8n माइनस कितना होगा फ्रेंड 8 हो जाएगा। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा देखो क्या होगा, 6 2 12 हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 6 2 12 मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिल रहा है मुझे, मुझे मिल रहा है 1272 इज इक्वल टू n इनटू, अभी यहां पे देखो 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड 10 हो जाएगा प्लस 8n। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो चलिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अगर दोस्तों मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखो क्या होगा, 1272 इज इक्वल टू n इंटू 10 क्या होगा, 10n हो जाएगा प्लस 8n स्क्वायर। यहाँ पे देखो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा मिल रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके पहले देखते हैं वो सिंप्लीफाई होगा क्या। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 1272 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, मतलब मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, 4 से भी होगा बट 10 4 से डिवाइड नहीं होने वाला, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा फ्रेंड देखो क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद दोस्तों अब हम इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, यहां पे देखो ये प्लस है उस साइड जाएगा माइनस होगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया फ्रेंड। अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे इसको सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो चलिए दोस्तों इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं और फटाफट अपना आंसर फाइंड करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का रूल क्या कहता है फ्रेंड, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पेशेंस बना के बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, स्किप नहीं करनी है। तो देखो पहला रूल क्या कहता है फैक्टराइजेशन मेथड का, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। पहला टर्म जो है और लास्ट वाला जो टर्म है उसका प्रोडक्ट फाइंड करो। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट फाइंड करूंगा फ्रेंड, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 636 इंटू पहला टर्म क्या है फ्रेंड, 4n2। यही तो मिलेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद अब क्या करना है दोस्तों, अब मुझे जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब उसके ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आए फ्रेंड, मिडल टर्म आए। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पे माइनस की साइन है। अगर यहाँ पे प्लस की साइन रहती तो यहाँ पे जो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फाइंड किया है इसका ऐसा दो फैक्टर मैं फाइंड करता जिसको ऐड करने के बाद मिडल टर्म आता। ऐड क्यों करता, जब यहाँ पे प्लस साइन होता। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। और ये वाले साइन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो हमने दो फैक्टर फाइंड किए हैं, मतलब जो प्रोडक्ट है उसके जो दो फैक्टर मैं फाइंड करूंगा उसमें बड़े वाले टर्म की साइन ऑलवेज ये वाली साइन डिनोट करती है। मतलब अगर जो मैंने दो फैक्टर फाइंड किए, एक 4 फाइंड किया और एक 3 फाइंड किया, तो जो बड़ा वाला टर्म है इसमें उसकी साइन ऑलवेज ये साइन डिनोट करेगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड और इसके दो फैक्टर फटाफट फाइंड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड अभी हम लोग इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। और फैक्टर कैसे फाइंड करना है, मुझे ऐसे दो फैक्टर फाइंड करना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहला क्या दिख रहा है, मुझे 636 दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये 636 के पहले ही फैक्टर सारे फाइंड कर लूंगा। 636 के अगर मैं एलसीएम फाइंड करता हूँ फ्रेंड, तो मुझे क्या मिलेगा, एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए फाइंड करते हैं 636 का। अगर मैं 636 के एलसीएम फाइंड करूंगा तो पहले मैं क्या करता हूँ, 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। यहाँ पे देखो 3 और 118, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ फ्रेंड, अभी इसको कंसिडर नहीं किया, मैं सिर्फ 636 के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पे 2 आ गया फ्रेंड, इसको अगेन मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा कितना हो जाएगा फ्रेंड, 18 हो जाएगा। अब देखो ये किससे डिविजिबल हो रहा है फ्रेंड, ये 3 से होगा, तो मैं क्या करूंगा अभी इसको 3 से डिवाइड करूंगा। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब देखो फ्रेंड यहाँ पे क्या मिल रहा है, 53 मिल रहा है। और ऊपर क्या मिला मुझे, ऊपर मुझे मिला है 2 2 जा 4, 3 जा 12, कितना मिला, 12 मिला है। 12 इंटू 4 कितना होता है फ्रेंड, 48 होता है। मतलब अगर मैं 12 इंटू 4 करूंगा तो कितना होगा, 48 होगा। और एक यहाँ पे फैक्टर मुझे मिला है 53, 53 और दूसरा 48, ये हमारे दो फैक्टर होंगे फ्रेंड जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे प्लस 5n मिल जाएगा। समझे फ्रेंड मैं क्या कहना चाहता हूं, मुझे पहले दो टर्म का प्रोडक्ट फाइंड करना था, पहले और लास्ट वाले का। तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसके एलसीएम फाइंड किया और इसको बाजू में रखा, साइड में रखा, क्योंकि बाद में तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, मतलब बाद में तो प्रोडक्ट हो ही जा रहा है। तो यहाँ पे जो मुझे दो फैक्टर मिले हैं फ्रेंड वो क्या है, 636 इंटू 4n2 के। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 636 इंटू 4n2 के जो दो फैक्टर मुझे मिले हैं, पहला है 53 और दूसरा क्या है, 48 है। और सिंस यहाँ पे देखो फ्रेंड n है यहाँ पे, तो एक n यहाँ पे आएगा और एक n यहाँ पे आएगा। दो फैक्टर मैंने लिख दिए। अब आगे का रूल मैं बताता हूं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 आ रहा है फ्रेंड, आ रहा है। अब क्या करना है, मिडल वाले टर्म की साइन देखनी है, क्या है यहाँ पे, प्लस है। दैट मींस क्या होता है फ्रेंड, बड़े वाले टर्म की साइन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मतलब इसकी साइन क्या होगी, प्लस होगी। एंड सिंस मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए डिफरेंट साइन रहती है तो ही सब्ट्रैक्ट होता है, आपको पता है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड, माइनस आएगा। अब चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। और अगर फ्रेंड देखो, अगर ऐड करना होता तो सिमिलर साइन रखता मैं, जब भी सब्ट्रैक्ट करना होगा डिफरेंट साइन होनी चाहिए। तो चलिए अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। अब चलिए फ्रेंड इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आएगा। तो इसमें से देखो कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें से कॉमन n दिख रहा है फ्रेंड। तो मैं क्या करूंगा, n को कॉमन ले लूंगा। तो अगर फ्रेंड मैं n कॉमन लूंगा, ये इनर ब्रैकेट मुझे मिलेगा 4n प्लस 53। और यहाँ पे फ्रेंड क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे मुझे क्या कॉमन मिलेगा फ्रेंड, यहाँ पे मुझे 12 कॉमन मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, माइनस 12 को कॉमन लूंगा। माइनस 12 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे साइन जो प्लस की है यहाँ पे भी प्लस साइन चाहिए। मतलब यहाँ पे जो टर्म मिला है वही टर्म यहाँ पे भी चाहिए। तो अगर मैं माइनस 12 कॉमन लूंगा फ्रेंड, तो मुझे मिल जाएगा 4n प्लस 53। अब देखो फ्रेंड यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। अब मैं क्या करूंगा, 4n प्लस 53 को कॉमन लूंगा।
दैट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, आप भी भूलना मत मेंशन करना फ्रेंड। तो ये हो जाएगा 4n plus 53 in a bracket and n minus 12 in a bracket that is equal to 0. So therefore friend यहाँ पे मुझे मिलेगा n is equal to minus 53 upon 4 और यहाँ पे मुझे मिलेगा friend n is equal to 12. But आपको पता है friend number of terms हम लोग find कर रहे हैं, मतलब वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिली है क्या मिली है, n is equal to minus 53 upon 4. Always number of term क्या मिलेगा friend हमको, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पे जो n इक्वल टू 12 मिला है वो हमारा आंसर होगा फ्रेंड, ये वैल्यू जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगी। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको सिखाया है आज ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर फ्रेंड मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आप हमसे वहां पर भी जुड़ के डाउट पूछ सकते हो। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड ऐसी ही मैंने बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर या आप वीडियो में भी जाके देख सकते हो आप होशियार हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।